सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जयपुर के हॉटस्पॉट में चिकित्सा विभाग की बड़ी चूक। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जयपुर के हॉटस्पॉट में चिकित्सा विभाग की बड़ी चूक सामने आई है। सुभाष चौक में एक ही मकान के 27 लोगों के पॉजिटिव मिलने से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल इसी परिवार की एक महिला होम क्वारंटीन को तोड़कर पहुंची कोलकाता। ये देखें, प्रशासन को बिना बताए 7 जून को ट्रेन में बैठकर पहुंच गई कोलकाता, जबकि प्रशासन ने सभी लोगों को 27 मई से कर रखा था होम क्वारंटीन। अब सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, लाजमी है। जयपुर जिला प्रशासन ने कोलकाता प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोलकाता तक के सफर में कितने लोगों के संपर्क में वो महिला आई होगी। 2 सुपर स्प्रेडर से ही इस परिवार में पहुंचा था कोरोना वायरस, और उसके बाद किस तरीके से फैल सकता है अंदाजा आप लगाएं। इसी पर मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके। विकास, बताएंगे इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई इन हालातों में? देखिए, जो कह सकते हैं ओमान से जो व्यक्ति जयपुर आया था, रामगंज के अंदर बड़ा स्प्रेड जो हुआ था उसको लेकर के भी प्रशासन जो है गंभीर नहीं है, और कह सकते हैं कि क्वारंटाइन को लेकर के जिस तरह की बड़ी चूक सामने आई है वो सभी लोगों के लिए चिंता की बात है। हम बात करें आज की तो जो सुभाष चौक है वहां पर थानों के दरीबा इलाके के अंदर एक ही मकान के अंदर कुल 27 लोग जो है पॉजिटिव मिले हैं, और ये वो लोग थे जो कि जून के पहले 2 जून को एक व्यक्ति यहाँ पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद में पूरे परिवार के सदस्यों को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया था। साथ में जो सभी लोग थे उन सभी लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल उठाए थे, जिसकी रिपोर्ट है आज सुबह ही मिली है। लेकिन उससे पहले 7 जून को एक महिला, इस परिवार की एक महिला जो है बिना प्रशासन को बताए हुए चुपचाप गुप्त तरीके से कोलकाता तक पहुंच गई, और कोलकाता पहुंचने के बाद में जब उसको जब ये पता चला और जब यहाँ रिपोर्ट आई है उसके बाद में उसका जानकारी मिली है कि महिला तो कोलकाता पहुंच गई। ऐसे में जिला प्रशासन जो है उन्होंने आनंद फानंद में कोलकाता प्रशासन संपर्क साधा है, और वहाँ संपर्क साधने के बाद में जो महिला है उसको बताया जा रहा है कि उसको वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी चूक यही है कि होम क्वारंटाइन और जिस तरह की पॉजिटिव मरीज घर में चुका है, और इस तरह की लापरवाही जो है वो काफी चिंताजनक है। और कह सकते हैं जयपुर से लेके कोलकाता तक पहुंचने में महिला कितने लोगों के संपर्क में आई थी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल विकास, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कितने लोगों के संपर्क में आई होगी, कैसे वो और फैल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।